हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिसेस के साथ कनेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको हम उसकी मैट्रिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू द गिवन बेसिस कैसे काम कर लेना है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है V से W, V की डिमेंशन N है और W की डिमेंशन M है। तो अगर आपकी डिमेंशन V की N है तो B1 जो है बेसिस B1 V2 N वो वेक्टर स्पेस V की बेसिस होगी और B2 जो है W1 W2 WN वो वेक्टर स्पेस W की हमारी बेसिस होगी। यहाँ पे M है क्योंकि यहाँ पे M एलिमेंट नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि B2 बेसिस है W की, तो कोई भी जो एलिमेंट है इमेज है of W that can written as a linear combination of elements of W1 W2, so I can write TV1 is equal to, क्योंकि अगर V1 element आपका V का है तो TV1 element जो होएगा वो W का होएगा। तो इस TV1 element को मैं B2 के जो vector space basis के elements है उसकी linear combination लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे scalar use किए हैं alpha 1 1, alpha 2 1, alpha m 1। ठीक है जी, इसी तरह TV2 को लिख सकते हैं alpha 1 2, alpha 2 2, m 2, यानी कि यहाँ पे 2 2 पीछे फिक्स है, ऊपर वाले में पीछे। इसी तरह हमारा nth एलिमेंट जो है मेरा vn, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज होगा tvn उसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह की शेप में। तो मैंने हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया w1 w2 wm की। ठीक है जी, तो इसको यहां से हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब ये अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा m 1। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी गई है आपने इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग लीनियर ट्रांसमिशन। ट्रांसपोज द अबव कोफिशिएंट मैट्रिक्स is defined as the matrix of linear transformation relative to basis B1 and B2. क्योंकि हमारे पास दो तरह की basis थी B1 B2, उसके पहले आपने क्या करना है, यानी कि जो images है ना उस images को B2 के elements का linear combination बना के वहां से आपने coefficient matrix ले लेनी है students, और उसका transpose करके आपके पास इस तरह की matrix आ जाएगी M cross N। ठीक है, M cross N का मतलब है अगर मान लो B1 की जो dimension है वो N है और B2 की डिमेंशन जो है M है, तो B2 की डिमेंशन के अकॉर्डिंग बनना है वो M क्रॉस है। ठीक है जी, ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब हम एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए। नंबर वन, हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है और हमें मैट्रिक्स बनानी है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस दिस। यहाँ पे कोई B1 B2 नहीं है क्योंकि R² से R² मैप है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मैपिंग है वो R² से R² है, तो एक ही बेसिस यूज करनी है। ठीक है, जब भी आपने मैट्रिक्स बनानी है सबसे पहले जो बेसिस है ना, यानी कि जो आपका ये एलिमेंट है R² का XY, उस XY एलिमेंट को आपने बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखाना है बेसिस के एलिमेंट्स की। तो वो आपको बनाना आता है, लेट अल्फा बीटा का एलिमेंट ले लिया R² का। हमने उस अल्फा बीटा एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा A टाइम्स पहला एलिमेंट ये वाला, B टाइम्स सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करके कंपेयर कर लेना दोनों साइड्स को। तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू A-B आ गई, बीटा की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रीअरेंज करके स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर स्टार्ट किया था अल्फा बीटा यहां से, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दो तो यू विल गेट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारी ये जो बेसिक पहले तो आपने LB बना के रख लेना, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन बना के रखना है। अब आपको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसमें आपने बेसिस के एलिमेंट्स पुट करने हैं, क्योंकि वहां पे जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, TV1 निकाला था, TV2 निकाला था, तो वही चीज करने लगा हूं। पहले 1 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिस मैट्रिक्स में इसका जितना आंसर आपका आएगा बेटा, इसका जितना आंसर आएगा आपको उसको इस फॉर्म में लिख देना है। देखो कैसे लिखना है, अब 2, 3 है, मान लो ये आपका अल्फा है और बीटा है, जो मेरी 1 नंबर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बीटा बाहर है, ये देखो बीटा बाहर है, अंदर है 1 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा 3 माइनस 2, अंदर दूसरा एलिमेंट। ठीक है,
आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही ऐसे लिखना है, कोफिशियंट लिखना है। इसी तरह जब सेकेंड एंट्री डालोगे उसमें, उसमें फिर बन जाएगा टी माइनस वन जीरो, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के कोफिशियंट ले लेने। हमने मैट्रिक्स बनानी थी ना, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स लिखने का तरीका, टीवी का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। अब देखो कोफिशियंट लिखने, ऊपर से देखो यहाँ पे कोफिशियंट थ्री है वन है, तो लिखो थ्री वन। अब यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, माइनस टू, यहाँ पे टू है, उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये मेरी मैट्रिक्स निकल जाएगी रिलेटिव टू बेसिस। कोई भी क्वेश्चन है हमेशा आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। यानी कि जो आपकी बेसिस के एलिमेंट्स हैं उसको आपने उसमें डाल देना है ट्रांसफॉर्मेशन में, और जो आपका आंसर आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखना है जो हमने बनाया होगा। तो इस तरह आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन में ये भी है कि ये चीज प्रूव करके दिखानी है। इसमें से टी ऑफ बी आपने निकाल लिया, वो ये चीज थी आपकी। अब वी ऑफ बी यानी कि एक सिंगल एलिमेंट जो एक्स वाई है उसको भी बेसिस के हिसाब से लिखो, मैट्रिक्स मतलब इस चीज का मतलब होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्स वाई को हम बेसिस के हिसाब से, जैसे ऊपर नंबर एक वन में, नंबर वन नंबर इक्वेशन में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर वन इक्वेशन है यानी इसके हिसाब से एक्स वाई को लिख दो, वाई टाइम्स ये हो जाएगा वाई टाइम्स वन वन वाई माइनस एक्स, ये लिखो, ये लिख लिया। इसके जो कोफिशियंट है वो वाई है, एक वाई माइनस एक्स है, तो यहां से इसका ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट ही बनेगा, ठीक है जी। तो ये स्टेप समझने वाला है आपको यहाँ पे कि ये वी वी का मतलब क्या, वी एलिमेंट के ही आपने मैट्रिक्स बना देनी है। फिर आपको यहाँ पे आरएचएस में क्या आ रहा है स्टूडेंट, टीबी वीवी, यानी कि टीवी की मैट्रिक्स लिखनी है बी के साथ। अब टीवी का मतलब क्या, टी एक्स वाई आपका ये आंसर दिया हुआ है, तो ये आपका एक तरह का अल्फा बीटा हो गया, जो हमारी एक नंबर, दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा। तो जो हमने यूजिंग वन लिखा था वो आपका बीटा कोमा वन वन, बीटा माइनस अल्फा वो अल्फा एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका भी कोफिशियंट एक ही बनेगा, उसको लिख के ट्रांसपोज कर लिया, ये मेरे पास आर एच एस आगे, ठीक है। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में लेफ्ट साइड, क्योंकि आर एच एस तो पूरी निकल गई है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया, ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये इस तरह क्वेश्चन वेरीफाई भी करना आता है ये चीज, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन दी है, इसकी मैट्रिक्स निकालो दिस बेसिस के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट एक्स वाई जेड है, उस एक्स वाई जेड एलिमेंट को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देना बेसिस के एलिमेंट्स की, ठीक है। वो अल्फा बीटा गामा लेके लिखता है, अल्फा बीटा गामा पहला एलिमेंट ये वाला, b टाइम्स c टाइम्स, सॉल्व करके कंपेयर कर लो दोनों साइडों को, इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा है, वहां से आपकी a b c की वैल्यू निकल गई है a, ठीक है जी। तो दोबारा आपने सारी वैल्यू ऊपर पुट कर देनी है यहाँ पे, तो ये आपका नंबर वन स्टेप है, इसको आपने वैसे का वैसे छोड़ देना है, मतलब तो इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है मैट्रिक्स बनाते समय, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना शुरू कर दो। तो पहले हमने वन वन एलिमेंट पुट किया ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो अगर वन वन पुट करोगे तो यहाँ पे टू प्लस वन, वन माइनस फोर थ्री, ये बन गया, ठीक है। इसको आपने, ये अल्फा बीटा गामा है, इसको इस शेप में लिख देना है, गामा बाहर, गामा का मतलब अल्फा, ये मेरा बीटा, ये मेरा गामा है, ठीक है। उसके बाद बीटा माइनस गामा, फिर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। बाकी आपने बेटा सॉल्व नहीं करना, बस कोफिशियंट ऐसे बाहर रख देने उसके, फिर सेकंड एलिमेंट पुट करो, उसका जो आंसर आएगा उसको इस शेप में लिखना है, बस इस शेप के अकॉर्डिंग लिखते जाना आपने। ये कोफिशियंट्स हो गए, ठीक है, इसी तीसरे एलिमेंट के ये कोफिशियंट्स हो गए। जब हमारे पास सारे कोफिशियंट्स आ जाएंगे, ठीक है, आपने उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो टीबी का मतलब है लीनियर ट्रांस, मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब साथ में क्वेश्चन में हमें ये चीज पूछता है वीवी और टीवीवी, मतलब कि आपको प्रूव करके दिखाना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ये वाली चीज, इसका मतलब है एक्स वाई जेड को आपने इसके हिसाब से लिख देना है एक नंबर के हिसाब से, फिर टीवी को इसके हिसाब से लिख देना बेसिस के हिसाब से,
ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कैसे होता है। तो देखो ये वी एलिमेंट था एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, इसको गाम वन नंबर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया, और जो ये कोफिशिएंट्स इसके हैं इसको लिख के उसका ट्रांसपोज कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पे टी वी लिखा, यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे, फिर टी वी का मतलब क्या है, टी वी वी निकालना है, ठीक है। टी वी लिख लिया, ये आपका अल्फा बीटा गामा, फिर इसको वन नंबर के अकॉर्डिंग लिखना, मतलब जो वन नंबर बनेगा उसका आपका मेन काम है, ठीक है। इसको 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 लेके इसका आपने ट्रांसपोज कर देना, तो ये चीज आपके पास आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा जी आपने ये आपकी आरएचएस निकल गई है, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे दो चीजों को, लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ, तो हमेशा इसके इक्वल आएगा। तो ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैट्रिसेस दी हुई है उसको आप, सॉरी लीनियर ट्रांसमिशन दी है उसको मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपके पास एक क्वेश्चन ये कि ये इसका प्रोडक्ट जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसको वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है।